वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के, लूसेंट जीके के पूरे 25 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 1। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके हमें बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। तो इसका उत्तर है 300। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है जांघ की हड्डी होती है, मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? दांत और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कैल्शियम व फॉस्फरस। कैल्शियम और फॉस्फरस दांतों और हड्डियों में होता है, कैल्शियम और फॉस्फरस से बने होते हैं हमारे दांत और हड्डियाँ। क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है छोटी आंत। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर मुख में प्रारंभ होता है मनुष्य में पाचन क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर है छोटी आंत। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थि में कैल्शियम फॉस्फेट लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को यह वीडियो हेल्पफुल होगा। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी,
आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, तो अदर सोशल मीडिया साइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन मैंने कवर किया, आप खुद अपना खुद का टेस्ट भी दे सकते हो। अगर 25 में से 25 क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं तो आप जीनियस हो, जो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और सही तरीके से मेहनत कर रहे हो। अगर उसमें से आपके एक दो क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो खुद का टेस्ट दीजिए, ईमानदारी से खुद का टेस्ट दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो इसका उत्तर है टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका उत्तर है स्टेपीज। स्टेपीज है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो इसका उत्तर है पोर्ट लुइस है। पोर्ट लुइस है मॉरिशस की राजधानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है जायरे है, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश। क्वेश्चन नंबर 13, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर बंगाल की खाड़ी में है न्यू मोर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 14, बराकर किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका उत्तर दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है चिल्का झील। तो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी झील है जो उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर एंडीज। तो एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है पिंपरी तथा ऋषिकेश में स्थित है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पिंपरी तथा ऋषिकेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, किस क्षेत्र में कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती होती है? किस क्षेत्र में कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती होती है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ियों। तो नीलगिरी पहाड़ियों में कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्षमा चाहते हैं, मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सर्वप्रथम फिल्म का प्रदर्शन कहाँ किया गया था? भारत में सर्वप्रथम फिल्म का प्रदर्शन कहाँ किया गया था?
तो इसका उत्तर वाटसन होटल मुंबई में किया गया था भारत में सर्वप्रथम फिल्म का प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रथम सिनेमा हॉल कौन सा था? भारत का प्रथम सिनेमा हॉल कौन सा था? तो इसका उत्तर एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस कलकत्ता। एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस कलकत्ता भारत का प्रथम सिनेमा हॉल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका उत्तर आर्कटिक महासागर है, विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों भाई ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।